पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ चार राज्यों के राज्यपाल कुरुक्षेत्र गुरुकुल का भ्रमण और खेती का भ्रमण किया। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सबसे प्राचीन कृषि परंपरा प्राकृतिक खेती है, यही जैविक खेती का भी विकसित रूप है। इसे अपनाकर ही हमारा देश पूरी दुनिया की भूख शांत कर सकता है। हालांकि ये खेती पूरी तरह से अपनाना सरकारों के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसकी ओर बढ़ना होगा। पूर्व राष्ट्रपति ने गीता ज्ञान संस्थाना में जियो गीता म्यूजियम का अवलोकन किया। जियो गीता म्यूजियम में भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप दर्शन से संबंधित शो देखने के बाद स्वामी ज्ञानानंद की ओर से पूर्व राष्ट्रपति को श्रीमद् भगवद गीता भेंट की गई। भाग्य मानता हूँ कि सही मायने में प्राकृतिक खेती को सामने से देखने का अवसर मिला। मैंने कई बार आचार्य देवव्रत जी के साथ चर्चा की, इनके मैंने उद्बोधन भी सुने और अच्छे अच्छे, जिसमें कि प्रधानमंत्री जी भी शामिल थे, मैंने वो भी व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा की। जब भी मैं राजभवन गुजरात जाता हूँ तो चर्चा इसकी ज़रूर होती है। और कई बार इन्होंने जब ये कहा कि इनमें कल्पना थी, कि मुझे लगा कि कभी कभी कह देते, कितनी सच्चाई उसमें मुझे पता नहीं, ठीक है, लेकिन आज वो कई सच्चाइयाँ जो है वो वाकई में आज मुझे अपने सामने देखने को मिली। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं चाहता हूँ कि पूरा देश धीरे धीरे, पहले यूरिया और केमिकल फर्टिलाइज़र उस पर जो हम चल पड़े थे, उससे हट कर के फिर हमने जैविक खेती अडॉप्ट की। और जैविक खेती का भी जो इम्प्रूव्ड फॉर्म है, या हम इसको कहें कि भारत की कृषि उत्पादन की जो सबसे प्राचीन परंपरा है, वो परंपरा प्राकृतिक खेती है। और उसको यदि हम जितनी जल्दी अडॉप्ट कर सकें, यद्यपि सरकारों के लिए आसान नहीं है, लेकिन धीरे 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 यदि इसको करेंगे तो मुझे लगता है, शायद नहीं, मैं विश्वास है मुझे कि हमारा देश, अभी कुछ कंट्री को हम सप्लाई करते हैं, मुझे लगता है कि पूरे विश्व भर की जो जनसंख्या है, पूरे वसुंधरा इसको, उसकी हम भूख को जो है उसकी हम तृप्ति दे सकते हैं इस खेती के माध्यम से। वहीं इस दौरान हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि आज पूर्व राष्ट्रपति के साथ चार राज्यों के राज्यपालों ने कुरुक्षेत्र गुरुकुल का भ्रमण और खेती का भ्रमण किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र की ओर से प्राकृतिक खेती की किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाती है और किसानों को यहाँ पर प्राकृतिक खेती का भ्रमण भी करवाया जाता है। भाग्य है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और उनके साथ चार प्रांतों के गवर्नर, शिक्षा के साथ साथ आधुनिकतम शिक्षा भी दी जा रही है, और यहाँ जो प्राकृतिक कृषि का जो संस्थान है, 200 एकड़ का फार्म है, ये हमारे जो किसानों के लिए आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा जीवन शैली बदलने वाला होगा। इसी फार्म के वाले वक्त में उसके उत्पाद को बिकवाने के लिए भी कुछ न कुछ प्लेटफार्म तैयार करेंगे, जिससे किसानों को लाभ हो। गौरतलब है कि इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति के साथ गुजरात, पंजाब, हिमाचल और हरियाणा के राज्यपाल के साथ ही प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी साथ में मौजूद रहे। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।